दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे मधुबनी पेंटिंग को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग ही नहीं, किसी पेंटिंग में ये ट्रिप्स और ट्रिक्स जो है आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों टिप्स नंबर 5, आप पेंटिंग का बॉर्डर लास्ट में बनाएं, हमेशा बॉर्डर में डार्क रंगों का प्रयोग करें। पेंटिंग में अगर आपने कशनी का प्रयोग ज़्यादा किया है तो बॉर्डर में कशनी का प्रयोग कम करें या ना करें। पेंटिंग में अगर आपने भरनी का प्रयोग ज़्यादा किया है तो बॉर्डर में कशनी का प्रयोग ज़्यादा करें। बॉर्डर अपने डिज़ाइन से अपोजिट बनाएं, पेंटिंग है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ट्रिक्स नंबर 4, पेंटिंग बनाते समय अपने डिज़ाइन को ध्यान में रखकर रंगों का चुनाव पहले से ही कर लें, इससे आपके पेंटिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपका ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं लगेगा कि कौन सा कलर डालें या नहीं डालें। तो दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 3, पेंटिंग बनाते समय आप अपने नीब और ब्रश का प्रयोग बहुत ही ध्यान से करें। जैसे आउटलाइन के लिए हमें मोटे और कचनी के लिए बारीक नोक के नीब का प्रयोग करना चाहिए। आउटलाइन बनाने के लिए हम मोटे नीब का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि आउटलाइन थोड़ा गाढ़ा होगा, थोड़ा डार्क होगा तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और कचनी के लिए हम पतले नीब का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है उसके बीच में वो थोड़ा डिफरेंट दिखे। आउटलाइन थोड़ा मोटा और कचनी थोड़ा पतला दिखता है तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। ब्रश का प्रयोग बिल्कुल स्पेस के हिसाब से करें, अगर ज़्यादा स्पेस है तो मोटे ब्रश का और अगर स्पेस कम है तो पतले ब्रश का प्रयोग करें। उससे क्या होगा, कलर जो है हमारा ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा या हमारे जो डिज़ाइन होगा उसके ऊपर नहीं जाएगा और हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 2, आप जब भी कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो उसके डिज़ाइन को अपने माइंड में पहले सेट कर लें जिससे आप उस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकें। इससे आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा और आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बिगनर्स जो हैं उनके लिए है, अगर उन्होंने अभी पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया है, उनको अच्छी तरीके से पेंटिंग बनाना नहीं आता है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन को पेंसिल से ड्रॉ कर लें। आप अगर अपने डिज़ाइन को पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो उसमें गलत होने का चांस जो है वो बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर रहता है। आपने कोई भी डिज़ाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर से आप नीव से या जेल पेन से या आप जिससे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं और आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज आपको बताए जो आपके पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और जिसे आप ध्यान में रखकर बहुत अच्छी अपनी पेंटिंग को बना सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे भी मधुबनी पेंटिंग में जॉब के रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया तो कैसे जॉब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम और आप कैसे उसमें अपना करियर बना सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूँ। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग की अभी तक हमारे चैनल पर 7 क्लासेस करवाई जा चुकी हैं। अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की है तो क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी 7 क्लासेस के वीडियो के लिंक शेयर कर रहा हूं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। अब मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ऐसी जानकारी और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, भी वीडियो बनाऊंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।